पुलिस वालों अज नशा तस्करा खिलाफ कैसो ना दा सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। इस सर्च ऑपरेशन नशा तस्करा ते नकेल कसल लई चलाया गया है। इस दे नाल ही जानकारी सामने आ रही है कि बठिंडा पुलिस वालों भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस लोगों के घर घर जाके तलाशी कर रही है। पुलिस तलाशी दौरान निक्की तो निक्की चीज़ फरोल रही है, यानी बहुत सख्ती ते बरीकी नाल लोगों के घर की जांच पड़ताल कर रही है। दस दिए कि बीते दिन मानसा पुलिस ने नशे नाल जुड़े मामले च परमिंदर सिंह झोटा नां दे व्यक्ति नूं गिरफ्तार किया सी, जिस दी गिरफ्तारी नूं लै के लोगों ने धरने प्रदर्शन भी किए अते FIR रद्द करन लई कहा गया सी। हुण इह सब नूं देखदिआं पुलिस वल्लों इह मुहिम विड्डी गई है, जिस च लोगों के बैड अलमारियां पेटियां अते औरतां तक दे पर्स की तलाशी कर रही है। जानकारी मुताबक मानसा च मैडिकल नशा विक रहा है, जिस ते पुलिस ने सख्ती विखाउंदे सर्च मुहिम शुरू कर दिती है। दरअसल कैसो नां दा सर्च ऑपरेशन नशा तस्करां नूं नकेल पाउण लई शुरू किया गया। यह सर्च ऑपरेशन सवेर तो शुरू किया गया है, शाम तक चलेगा। शाम नूं SP जानकारी देणगे कि नशे की किन्नी रिकवरी हुई है। साडे वल्लों कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है 6 जगह ते मानसा जिले विच। उहदे विच वी आर एक्सपैक्टिंग कि रिकवरीज भी होणगीआं, ते जिहड़े कोई नशा वेचण वाले ने जिन्हां बारे साणू इनफॉर्मेशन है, कईआं ते परचे दर्ज ने, कईआं ते परचे नहीं दर्ज, बट साडे कोल इनफॉर्मेशन आ उहनां दे घरां दी, आपां सर्च कर रहे हैं एंड वी होप कि उहदे च रिकवरीज होणगीआं। जिथे तक तुसीं ड्रग ओवरडोज की डैथ कह रहे हो, लास्ट साडी जिहड़ी ड्रग ओवरडोज की डैथ हुई सी उह 6 महीने पहलां हुई सी, 1-3 दिन पहलां हुई है, बट उहदे विच जिहड़ा बंदे दी डैथ हुई उहदे 4 NDPS दे परचे आप सीगे। सो वह आप समगलर से वेचता से, अजे हमने बेल पर आया सी, ते असी उन्हों वॉच भी कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो डैथ हो गई ओवरडोज करके। सो वे आप 304 का परचा दर्ज किया, जितों लैके आता से 2 बंद नाम लिखाए से उन्होंने पेरेंट्स ने, उन्होंने दोवों असी अरेस्ट करके जेल च भेज दिता 304 का परचा दर्ज। अच्छ सर, जी सरदूगढ़ सर्च चल रही है जी, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ NDPS ਦਾ ਪਰਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ FIR ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ 'ਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਟੋਟਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ FIRs ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ।